गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आज आपको मेल हेल्थ के बारे में बताऊंगा। आमतौर से हमारी जो यंग जनरेशन है वो मिसकंसेप्शंस के कारण परेशान है, उनको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलती इसलिए वो परेशान रहते हैं। छोटी सी कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो तो वो उसको इतना माइंड पे लगा लेते हैं और स्ट्रेस के कारण अपने ही माइंड में उसको बड़ा बना लेते हैं, रादर कि वो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप सेक्सुअल प्रॉब्लम से पीड़ित हैं या नहीं ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। आपने अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर्स के साथ शेयर करनी है। जब आप कुछ अनक्वालिफाइड या अपने साथ के फ्रेंड्स को ये बताते हैं तो आपका मजाक भी उठता है और आपको सही गाइडेंस भी नहीं मिलती। आमतौर से क्या होता है, हमारे पास जैसे केसेस आते हैं वो कहते हैं हमारे यूरिन में काफ़ी पेन है, यूरिन बार बार आ रहा है और यूरिन में कई बार वीर्य भी निकलता है। समटाइम्स ये कॉमन है, ये कोई इतना भयंकर डिजीज नहीं है। समटाइम्स क्या होता है कि आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी अगर इन्फेक्शन हो और उसकी अगर साइज बढ़ गया या स्वेलिंग हो, उसको हम क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। उसको प्रॉपरली अगर ट्रीट किया जाए तो ये सारे सिम्टम्स ठीक हो सकते हैं। ये कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है जो आपकी शादीशुदा लाइफ को खराब करने में हेल्प करें। आपकी सोच ये खराब कर सकती है बट आपकी जो फिजिकली फिटनेस है वो खराब नहीं कर सकती। मेल्स के लिए फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल हेल्थ होना, नॉर्मल होना इम्पोर्टेंट है और ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर आप फिजिकली फिटनेस नहीं है, आप में कोई प्रॉब्लम है, बैक एक है, कोई दर्द हो रही है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो आपको फिजिकली तंग कर रही है तो ये आपको मेंटली भी डिस्टर्ब करेगी और सेक्सुअली भी। अगर आप मेंटली फटीग रहते हैं, थकावट रहती है आपको या स्ट्रेस रहती है, ये सारे फैक्टर आपको फिजिकली और सेक्सुअली तंग करेंगे। तो ये तीनों इंटरलिंक है। तो आपने फिजिकल फिटनेस अपनी मेंटेन रखनी है, स्ट्रेस से फ्री रहना है तो आपकी सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम लेके कि वो अपने आप को काबिल नहीं समझते कि वो सेक्सुअल एक्टिविटीज कर सकें अपने पार्टनर के साथ। कई बार ये डिजीज होता है पर हर बार ये डिजीज नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वो नॉर्मल होते हैं पर उनको साइकोलॉजिकली ये लगता है कि मेरे को ये डिजीज है। और उनमें से कुछ पेशेंट होते हैं जिनको वाकई ही प्रॉब्लम होती है, उनका हॉर्मोन्स का लेवल लो हो सकता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन एक मेल हॉर्मोन है जिसका लेवल कम हो सकता है या कोई और LH, FSH और कई हॉर्मोन्स ऐसे हैं जिनमें इनको डिस्टर्बेंस हो सकती है। अगर उनके हॉर्मोन्स के डिस्टर्ब होने के कारण उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी पर असर है तो ये डिजीज है। अगर उनके हॉर्मोन्स नॉर्मल है, बाकी सारे फैक्टर नॉर्मल है तो ये साइकोलॉजिकली ज़्यादा होता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है उन पर और उनको फील होता है कि हमें उतनी शक्ति नहीं है। तो इन सब चीजों से आपने दूर रहना और एक क्वालिफाइड पर्सन से आपने कंसल्ट करके अपनी डिजीज को और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है तो आपके लिए यही फायदा होगा। कई केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं जिनमें वाकई ही प्रॉब्लम होती है उनको, जैसे माइक्रो पेनिस है, अंडर डेवलप्ड पेनिस है, उनका जो पेनिस का साइज है वो नॉर्मल नहीं होता, उनके टेस्टिस जो हैं वो डेवलप नहीं होते, जो प्रोजेनी बनाने में, बच्चा पैदा करने में पूरी तरह क्षमता नहीं रखते, तो ये डिजीज है। इस तरह की प्रॉब्लम भी जो हैं इनफर्टिलिटी के रिलेटेड, उन प्रॉब्लम को भी आयुर्वेदिक मेडिसिन से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। सेक्सुअल एक्टिविटीज फिजिकल और मेंटल के कारण भी हो या आपके यूरिन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उसको आप अच्छी तरह समझे, जिन केसेस में ट्रीट करने की ज़रूरत है उनमें ट्रीट करवाएं, जिन चीज़ों को आप समझ के अपने बॉडी में वो चेंजेस, अपने आबोहवा में वो चेंजेस कर सकते हैं जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो वो कीजिए, उसमें दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती।